hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today's video is about the investment accounting we have started the practical question solving and today also we are going to solve one practical question and in this question we'll be seeing the sales related adjustment come interest variety we have seen in the previous question x interest purchase एंड कम इंटरेस्ट परचेज सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्विंग कम इंटरेस्ट सेल ऑल्सो सो कम इंटरेस्ट सेल को किस तरीके से सॉल्व करना ये हम एक एक करके इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है तो आप ध्यान रखें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस किया था कि जब कभी भी आपका परचेज रहा परचेज में एक्स इंटरेस्ट नो वर्किंग नोट परचेज में अगर कम इंटरेस्ट है तो वन वर्किंग नोट इफ इट इज सेल एक्स इंटरेस्ट टू वर्किंग नोट एंड सेल में इफ इट इज कम इंटरेस्ट थ्री वर्किंग नोट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सो हम तीन वर्किंग नोट सेल में बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग ये सारे पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर राज होल्ड्स एटी थाउजेंड इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन थर्टी सप्टेंबर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर सो थर्टी सप्टेंबर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च सबसे पहले मैं हमारे फॉर्मेट के ऊपर लिख रहा हूँ थर्टी सप्टेंबर वी आर पेइंग इंटरेस्ट एंड थर्टी फर्स्ट मार्च वी आर पेइंग द इंटरेस्ट तो दो डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सोलविंग फाइव परसेंट बॉन्ड्स है तो मैंने प्रिपेयर कर लिया इन द बुक्स ऑफ राज फाइव परसेंट बॉन्ड्स अकाउंट फॉर दर एंडेड मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन सो सबसे पहला स्टेप अगर हम ध्यान से देखें तो ईयर एंड क्या है इयर एंड यहाँ पे डिसम्बर है बाकी सारे क्वेश्चन में हमने इयर एंड देखा था मार्च तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस कब का होगा ओपनिंग बैलेंस हमारा होगा जनवरी फर्स्ट का तो हम यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इज अवर पॉइंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो व्हाट इज अवर ओपनिंग बैलेंस इट्स वन लाख कॉस्ट इज गिवन टू यू कॉस्ट कितना दिया है कॉस्ट दिया है एट्टी थाउजेंड सो दैट अभी हम इंटरेस्ट गिनेंगे देखो जनवरी फर्स्ट के पहले कब इंटरेस्ट मिला था इन दोनों डेट्स को कंपेयर करो सितंबर में मिला था अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट होगा थ्री मंथ्स तो इट्स सिमिलर जैसे पहले करते थे वैसे ही वन लैक मल्टीप्लाइड बाय फाइव परसेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय ट्वेल्व सो तीन महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंगली सो so, तीन महीने का इंटरेस्ट विल बी योर आंसर एंड दैट विल बी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज सो एक हजार दो सौ पचास आपका इंटरेस्ट रहेगा ठीक है सो आई होप कि इतना कैलकुलेशन आपका क्लियर है जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा फेब्रुवरी सो लेट अस चेक फेब्रुवरी में कोई ट्रांजेक्शन सो नो ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी फेब्रुवरी के बाद नेक्स्ट इज मार्च तो अभी ध्यान रखना है आपको मार्च में क्या होने वाला है इंटरेस्ट मिलने वाला है सो so, हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में पोस्टिंग बाय बैंक अकाउंट सो फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश कितने इन्वेस्टमेंट है हमारे पास हमारे पास वन लाख ,00 के इन्वेस्टमेंट्स है तो आई एम काउंटिंग वन लाख मल्टीप्लाइड बाय फाइव परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मंथ्स का गैप सिक्स बाय ट्वेल्व सो इंटरेस्ट आ जाएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट इज अवर इंटरेस्ट ओके सो मार्च महीने का पॉइंट खत्म मार्च के बाद नेक्स्ट अप्रैल अप्रैल में कोई ट्रांजेक्शन नो मे मे में कोई ट्रांजेक्शन है क्या देखते हैं सो मे में हमारे लिए परचेज दिया है टू थाउजेंड नाइनटीन रूपीज टेन थाउजेंड एट द रेट नाइन्टी सेवन एक्स इंटरेस्ट तो मे फर्स्ट को एंट्री करता हूं यहां पे डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट ठीक है कितना इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट यहाँ पे दिया है टेन थाउजेंड नाइन्टी सेवन का रेट है तो अभी कैसा मल्टीप्लाई करना है ध्यान से देखो अगर आप टेन थाउजेंड इंटू नाइनटी सेवन करोगे तो गलत आएगा रुपीस दिया है तो उसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करना है टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय नाइनटी सेवन और परसेंटेज का साइन प्रेस करो अदरवाइज हंड्रेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड सेवन हंड्रेड वरना आपका अमाउंट गलत हो सकता है अभी हम इंटरेस्ट गिनेंगे फिर से सो कितना इंटरेस्ट होगा टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फाइव परसेंट मल्टीप्लाइड बाय मई के पहले मई के पहले कब इंटरेस्ट मिला था मार्च में मिला था तो कितना मंथ आएगा अप्रैल सिर्फ एक ही मंथ तो वन बाय ट्वेल्व सो अभी इंटरेस्ट लिखते हैं मंथ का इंटरेस्ट पे, पे विल बी फोर्टी टू रूपीज फाइन आई होप कि इतना आपको क्लियर है काफी इजी कैलकुलेशन है जो हमने पहले सीखा था वही है मे के बाद अगला मंथ जून वी हैव एनी ट्रांजेक्शन जुलाई लेटर जुलाई में क्या है हमारे पास कम इंटरेस्ट है सो so, कम इंटरेस्ट परचेज फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन थर्टी थाउजेंड एट द रेट नाइनटी एट कम इंटरेस्ट तो पहले वर्किंग नोट लेंगे फिर बाकी का कैलकुलेशन करेंगे क्या था वर्किंग नोट जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था वर्किंग नोट काफी इजी है वर्किंग नोट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सो वर्डिंग वॉज प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देखो कितना था टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई नाइन्टी एट एक बार चेक कर लेते कि कैसे लिखा है मैंने सो so, फर्स्ट जुलाई टू हंड्रेड नहीं थर्टी थाउजेंड है थर्टी थाउजेंड अकॉर्डिंगली so यहां पे अभी मैंशन करेंगे थर्टी थाउजेंड तो दैट इज थ्री हंड्रेड सो थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी एट सो थ्री हंड्रेड इंटू नाइन्टी एट आ जाएगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड देखो आप इसको और थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी एट परसेंट भी कर सकते हो सेम ही आंसर आएगा नेक्स्ट लाइन में लेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट वेल कैलकुलेटिंग ऑन द फेस वैल्यू थर्टी थाउजेंड फाइव परसेंट जुलाई था ट्रांजेक्शन का डेट देखते हैं कौन सा है तो था जुलाई जुलाई के पहले कब मिला था तो यहां पे मैं लिख लेता हूँ जुलाई सो so, जुलाई के पहले कब मिला इंटरेस्ट मार्च अप्रैल मे जून तो थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट दैट कम्स टू थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सो माइनस करना है आपको अभी सो एंसर विल बी कॉस्ट ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव दट कम सो दिस नोट ऑफ प्राइस पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड वी आर कैल्कुलेटिंग द कम इंटरेस्ट वैल्यू सो कम इंटरेस्ट वैल्यू मिलने के बाद पोस्टिंग करते हैं देखो जुलाई के डेबिट साइड में अभी यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट ठीक है सो पोस्टिंग कैसे करना है सेम वे से पोस्टिंग करना है जैसे पहले किया था कितना था हमारा वैल्यू थर्टी थाउजेंड कॉस्ट कितना मिला हमें टू नाइन जीरो टू फाइव अभी इंटरेस्ट गिनेंगे सेम वे में इंटरेस्ट वहां पे कैलकुलेट कर लिया था कितना इंटरेस्ट आया था थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव जो जो वर्किंग नोट में हमने इंटरेस्ट ढूंढा है वही इंटरेस्ट यहाँ लिखना है ओके आई होप कि इतना आपका क्लियर है कैलकुलेशन काफी ईजी है ध्यान से सॉल्व करना है अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर सही आए लेटस मूव फर्दर देन जुलाई के बाद अगला मंथ ऑगस्ट सप्टेम्बर याद रखना सप्टेंबर में इंटरेस्ट का डेट है ऑगस्ट में क्या हो रहा है ऑगस्ट में सेल हो रहा है सो ऑगस्ट वी आर सेलिंग 150 यूनिट्स एट द रेट 99 एक्स इंटरेस्ट तो जब भी हम सेल करते हैं तो दो वर्किंग नोट्स बनाने ही बनाने हैं तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे दो एक्स इंटरेस्ट था तो क्या करना है आपको सबसे पहले जो भी फॉर्मेटिंग लिखा था उसको सबको कॉपी करना है सो हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो जितनी चीजें हमने लिखी है सारी चीजें यहाँ पे कॉपी करता हूं इट्स बिगिन विथ ओपनिंग बैलेंस सो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था वन लाख फाइन और उसका कॉस्ट कितना था एट्टी थाउजेंड ठीक है फिर एड परचेस कितना हमारा परचेस था इट्स टेन थाउजेंड कॉस्ट वॉस नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिर से एड परचेस थर्टी थाउजेंड वैल्यू वॉस ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ओके So, जो हमने ऊपर लिखा है वही सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं एंड फिर हमें क्या करना है इनको ऐड कर देना है सबको ऐड करेंगे वी विल गेट फोर्टी थाउजेंड एंड कॉस्ट टोटल इज वन लैख एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सो टोटल मिल गया ठीक है अब हम करेंगे सेल सो लेस सेल देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में ये जितने वैल्यूज मैंने यहाँ लिखे, लिखे यह लिख दिए अभी सेल देखते हैं एडजस्टमेंट में तो सेल्स फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजेंड यूनिट्स का सेल हो रहा है नाइनटी नाइन के रेट में वन यूनिट्स तो यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई करके ध्यान से लिखेंगे सो so मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू हंड्रेड सो दिल बी फिफ्टीन थाउजेंड फिर आपको क्या करना है हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सो फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय वन लैक एटीन सेवन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टी थाउजेंड तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड द आंसर इज वन टू सेवन टू वन ओके सिंपल रूल है प्रॉपरली सॉल्व करोगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर सही मिलेगा देन वील गेटिंग द बैलेंस बैलेंस इज वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड और यहां पे मिलेगा वन जीरो सिक्स डबल जीरो फोर ठीक है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इसके बाद और एक सेल है वो हम बाद में करेंगे तो कितने वर्किंग नोट्स हमें प्रिपेयर करने थे दो वर्किंग नोट्स वी हैव प्रिपेयर द फर्स्ट वन नाउ अगला वर्किंग नोट कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्या था फॉर्मूला सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट तो कितना हमारा कॉस्ट है हमारा कॉस्ट अभी आपने ढूंढा वन टू सेवन टू वन सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में देखते हैं देखो कितना सेलिंग प्राइस है आपका वन फिफ्टी को हमने सेल किया है सो वन फिफ्टी हमने सेल किया है नाइन्टी नाइन के रेट में एक बार चेक कर लेते हैं सो so, क्वेश्चन में दिया था वन फिफ्टी यूनिट एट द रेट नाइन्टी नाइन एक्स इंटरेस्ट तो वन फिफ्टी इंटू नाइनटी नाइन आई हैव डन सो हमें वैल्यू मिल जाएगा सेलिंग प्राइस एंड दैट कम्स टू वन फोर एट फाइव जीरो वन फोर एट फाइव जीरो इज यूर सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा एंड द प्रोफिट कम्स टू टू वन टू नाइन दिस इज द प्रॉफिट वॉट इज द रूल विच वी हैव लर्न सेलिंग प्राइस का पोस्टिंग करेंगे ये कॉस्ट का पोस्टिंग नहीं करेंगे ओनली प्रॉफिट का पोस्टिंग करेंगे अब सेल का पोस्टिंग कहां होता है सेल का पोस्टिंग होता है क्रेडिट साइड में सो so कभी सेल किया था ऑगस्ट को सेल किया है सो लेट अस मूव वर्ड दी क्रेडिट साइड नाउ सो क्रेडिट साइड में ऑगस्ट का एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में ऑगस्ट डेट डाल के रखा है मैंने पहले ही तो so, यहां पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ठीक है कितना सेल हुआ हमारा फिफ्टीन थाउजेंड का कॉस्ट कितना है कॉस्ट में क्या लिखना है सेलिंग प्राइस लिखना है तो सेलिंग प्राइस वॉज वन फोर एट फाइव जीरो विच वी हैव सीन कैसे था सेलिंग प्राइस वन फिफ्टी इंटू नाइन तो वन फोर एट फाइव जीरो अभी इंटरेस्ट गिनेंगे अगस्त फर्स्ट के पहले कब मिला था मार्च में अप्रैल में, जून जुलाई फोर मंथ्स तो फोर मंथ्स का इंटरेस्ट गिनेंगे किसके ऊपर फिफ्टीन थाउजेंड इंटू फाइव परसेंट इंटू फोर बाई ट इंटरेस्ट मिल जाएगा एंड द इंटरेस्ट कम्स टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ठीक है प्रॉफिट था कि लॉस था प्रॉफिट था तो प्रॉफिट कहाँ पोस्ट करते हम डेबिट साइड में सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश कितना प्रॉफिट मिला था हमें प्रॉफिट मिला था हमें वर्किंग नोट में टू वन टू नाइन तो दैट वॉज अवर प्रॉफिट विच वी हैव क्लियरली पास ओवर हियर ठीक है चलो ऑगस्ट भी हो गया है ऑगस्ट के बाद नेक्स्ट मंथ हमारा काफी इंपॉर्टेंट सेप्टेंबर सितंबर को हम क्या करने वाले इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा द इंटरेस्ट तो के, के दो डेट्स है सितंबर और मार्च फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट इन हैंड है सो so, सबसे सिंपल मेथड देखो डेबिट साइड से भी ढूंढ सकते हैं वन लैख प्लस टेन वन लैख टेन लैक टेन प्लस थर्टी वन लैखी फोर्टी से फिफ्टीन माइनस करेंगे तो दैट कम्स टू वन लैख ट्वेंटी फाइव तो सिमिलर पॉइंट पे भी हम कैलकुलेट कर कर सकते हैं देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है तो इसी पे इंटरेस्ट अभी गिना जाएगा सिक्स मंथ्स के लिए सो अस कैलकुलेट नाउ सो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फाइव परसेंट लास्ट ट्रांजेक्शन एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज अ न्यू पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन विच वीव नॉट सॉल्व इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड द लास्ट पॉइंट इज सेल कम इंटरेस्ट तो ध्यान से देखो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में सेल का कम इंटरेस्ट दिया होगा तो हमें तीन वर्किंग नोट बनाने हैं आई रिपीट अगेन सो वेन एवर द ट्रांजेक्शन इज ऑफ सेल कम इंटरेस्ट हम तीन वर्किंग नोट बनाएंगे अब ये तीन वर्किंग नोट कैसे है कौन से है वो ध्यान रखते हैं सो so, तीन वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले वर्किंग नोट ध्यान से समझना प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहा हूं तीन वर्किंग नोट पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ठीक है सो पहला वर्किंग नोट कौन सा है कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस अभी ये कैसे बनाना है पहले वर्डिंग लिख लेते हैं देखो वर्डिंग होगा प्राइस रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ठीक है प्राइस रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना सेल किया है एक बार चेक कर लेते हैं देखो क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से देखते हैं फर्स्ट डिसंबर टू हंड्रेड बेचा नाइन्टी एट के रेट में ठीक है तो अभी हम यहां पे लिखेंगे टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी एट द वैल्यू कम्स टू नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कम इंटरेस्ट का मतलब इसमें पहले से ही इंटरेस्ट एड है लेस इंटरेस्ट टू हंड्रेड इन टू हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड से फेस वैल्यू लिया है मैंने टू हंड्रेड बॉन्ड या एक डिबेंचर का वैल्यू सौ रुपया होता है तो दो सौ मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड परसेंट अस सी हाउ मेनी मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा सो so क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट डिसम्बर तो डेट लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सो so ये सेल कौन से डेट का है ये सेल है डिसम्बर फर्स्ट का डिसेंबर फर्स्ट के पहले इंटरेस्ट कब मिला था सप्टेम्बर तो कितने मंथ्स का आएगा अक्टूबर और नवंबर तो नवंबर मतलब टू मंथ्स तो टू मंथ्स का इंटरेस्ट हम गिनेंगे दैट कम्स टू वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन तो अभी आपको माइनस करना है सो so आंसर मिलेगा सेलिंग प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस कम्स टू नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी थ्री रूपीज थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी थ्री सेलिंग प्राइस दिस इज वर्किंग नोट नंबर वन अब हम आगे बढ़ेंगे यही है इसी में लिखना है आपको लेस सेल कितना है हमारा सेल ट्वेंटी थाउजेंड का ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन जीरो सिक्स डिवाइडेड by वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो कितना मिलता है आंसर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन सिक्स नाइन सिक्स वन सो माइनस करना है अभी आपको माइनस so, we'll करने के बाद मिल जाएगा बैलेंस तो यहाँ पे लिखता हूं बैलेंस वन लैख ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी थाउजेंड अगर माइनस करेंगे तो आंसर मिलता है वन लैख फाइव थाउजेंड और वन जीरो सिक्स जीरो जीरो फोर माइनस वन सिक्स नाइन सिक्स वन अगर आप माइनस करोगे तो आंसर मिलता है एट्टी नाइन थाउजेंड फोर्टी थ्री ओके सो द कैलकुलेशन विच हैव डन सो वर्किंग नोट्स हमें prepare करने हैं? तीन हमने हमने बनाए दो, एक बनाया फिर एक अभी हमने बनाया ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला अभी तीसरा हम वर्किंग नोट बनाएंगे हमारा प्रॉफिट लॉस का तो चलो ये प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट यहां बना लेता हूं क्या लिखना है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट तो कॉस्ट कौन सा ये जो वैल्यू मिली क्रॉस मल्टीप्लाइड वन सिक्स नाइन सिक्स वन सेलिंग प्राइस कौन सा तो सेलिंग प्राइस अब भी मैंने यहां पे कैलकुलेट किया कितना था सेलिंग प्राइस वन नाइन फोर डबल थ्री कितना है सेलिंग प्राइस वन नाइन फोर डबल थ्री तो यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस वन नाइन फोर डबल थ्री सो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट तो आपको जो भी डिफरेंस मिलेगा प्रॉफिट तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट आ रहा है दोनों पॉइंट्स में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इज टू फोर सेवन टू ठीक है चलो दोनों पॉइंट हो चुके हैं कॉम इंटरेस्ट भी आपको बता दिया सो हाउ टू कैलकुलेट कम इंटरेस्ट थ्री वर्किंग नोट्स वी हैव टू प्रिपेयर नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस नंबर सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाइड वर्किंग नोट नंबर थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस तो लेट अस मूव फर्दर नाउ अभी हम पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में सो so, सेल पे रिकॉर्ड होता है सेल रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में एंड परचेस कहां रिकॉर्ड होता है परचेस रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द क्रेडिट साइड नाउ तो यहां पे लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट ठीक है कितना सेल हो रहा है ध्यान से तो कितना सेल था हमारा ट्वेंटी थाउजेंड सेलिंग प्राइस कितना था यहां पे सेलिंग प्राइस लिखना है सो सेलिंग प्राइस कितना था वन नाइन फोर डबल थ्री और इंटरेस्ट भी हमने गिना है इंटरेस्ट कितना था वन सिक्सटी सेवन आपको चेक करा देता हूँ एक बार जो हमने कैलकुलेट किया वही लिखा है हमने सो so, देखो इंटरेस्ट इज इज सेलिंग प्राइस और हमारा फेस वैल्यू जो था वो 20, तो अभी यही पॉइंट में प्रॉफिट था कि लॉस तो प्रॉफिट था प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर डेबिट साइड में सेम डेट लिखा है मैंने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश कॉस्ट कॉलम हमारा प्रॉफिट था टू फोर सेवन सो so, प्रॉफिट भी मैंने यहां पे लिख दिया है सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इससे रिलेटेड पॉइंट्स कंफर्टेबल हो जाएंगे दिस चैप्टर इज ओनली कैलकुलेटिव इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ वराइटीज नहीं है ओनली वी हैव टू सी दैट इज राइट इफ यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट करेक्टली आपके सारे कैल्कुलेशन सही हो जाएंगे अब फर्दर बैलेंसिंग करते हैं कि डेबिट साइड का टोटल करेंगे सो फेस वैल्यू का टोटल वन लाख फोर्टी थाउजेंड सो दोनों साइड लिखेंगे वन लाख फोर्टी थाउजेंड सो वन लाख फोर्टी थाउजेंड में से अगर आप ये दोनों माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर वन लाख फाइव थाउजेंड आएगा क्या लिखते थे वर्डिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन ओके फिर हमें क्लोज करना है हमारा कॉस्ट कॉलम तो कॉस्ट कॉलम का टोटल आता है वन डबल थ्री टू सिक्स सिमिलरली वन टू डबल थ्री टू सिक्स इसमें से ये कॉस्ट के दो पॉइंट्स माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा एटी नाइन थाउजेंड फोर्टी थ्री सो यही हमारे आंसर्स हमको ऑलरेडी मिले हैं क्रॉस वेरिफिकेशन वी कैन डू सो बैलेंस देखो लास्ट में वन लैख फाइव थाउजेंड एटी नाइन जीरो फोर थ्री यही हमें बैलेंसिंग फिगर भी मिलना चाहिए अब हम इंटरेस्ट गिनेंगे ओपनिंग बैलेंस पे थ्री मंथ्स तो शॉर्टकट था अपना क्लोजिंग बैलेंस पे भी थ्री मंथसाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फाइव परसेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय ट्वेल्व सो विल गेट द इंटरेस्ट ओवर हियर सो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा वन थ्री वन थ्री वन थ्री वन थ्री अब आपको क्या करना है क्रेडिट साइड का टोटल करना है इंटरेस्ट का टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू फिफ्टी प्लस थ्री वन टू फाइव प्लस वन सिक्सटी सेवन प्लस वन थ्री थ्री सो दू से थ्री फाइव फाइव से आपको माइनस करनी है तो बैलेंसिंग फिगर विल गेट फाइव सिक्स डबल एट सो दिल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डिसम्बर थर्टी फर्स्ट विच इज द इंड सो इन दिस क्वेश्चन Two transaction: one is x interest, another is com interest. Similarly, in sale also we have covered two transactions, one is com interest and another is x interest. सो बोथ दी पॉइंट्स आर सेम और एक क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करेंगे ताकि आपको और थोड़ा प्रैक्टिस इस लेवल का हो जाए बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव थोड़ा सा भी गलत हो गया तो सब चीज़ गलत हो जाएगी इसलिए आपको ध्यान रखना है कैल्कुलेशन पे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है ये वराइटीज जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स पे भी इसको शेयर कर ले सो so दैट उनको भी ये बेनिफिट मिले और उनका भी ये चैप्टर का प्रिपरेशन चलते रहे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगर